नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन जांगड़ा आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम दिखाएंगे कि सब जीरो का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हमारे पास आज सब जीरो है जिसका नंबर है 7510। ये सिंगल प्रोब में होती है, तो हम दिखाते हैं कि आज इसके कनेक्शन कैसे करते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं। ये सब जीरो आज हमारे पास है और हम इसका कनेक्शन का यूज़ आपको बताएंगे। ये देखिए, ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। ठीक है, पहला प्रोब है, इसमें आएगा आपका, इस पॉइंट में रहेगा आपका। ये देखिए, ये पहला पॉइंट है आपका कंप्रेशर। सेकंड है आपका ये सी, जहाँ होता है ये कॉमन होता है। कॉमन मतलब ये आपका इसके अंदर फेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें फेस रहेगा, ये कंप्रेशर का है। और ये आपका एन सी, एन सी का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज, जो कि डायरेक्ट फेस इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट फेस रहेगा। ये 4 नंबर और 6 नंबर, ये आपका रहेगा सप्लाई 230। मतलब हम यहाँ सप्लाई देंगे 230, जो हमारी वोल्टेज होती है। उसके बाद ये रहेगा आपका कॉमन, कि इसमें से एक फेस की वायरिंग हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से फेस लूप करके हम डालेंगे 2 नंबर में। तो 2 नंबर हमारा फेस का हो जाएगा, 4 नंबर हमारा फेस रहेगा। तो ये इसमें कॉमन में रहेगा। कॉमन के बाद क्या होएगा, जब कमांड आएगी तो ये हमारा कंप्रेशर को कमांड आएगी। तो ये देखिए, ये यहाँ से एनसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट है और ये भी डायरेक्ट है। तो हमें कंप्रेशर का इसके साथ जोड़ना होता है। जब कमांड आएगी तो ये हटके, ये एनसी है, ये कॉमन है, ये दोनों में से ये ब्रेक हो जाएगा और ये इसके साथ ये पॉइंट क्लोज हो जाएगा। तो सप्लाई हमारी आएगी 1 नंबर में। 1 नंबर में सप्लाई आएगी तो हमारा कंप्रेशर ऑन हो जाएगा। इस सब जीरो में क्या होता है दोस्तों, कि कंप्रेशर और फैन की एक ही वायर आएगी जो इसी में कनेक्ट होगी। तो इसका कंडेंसर, फैन और कंप्रेशर एक ही साथ यूज़ में आएगा। ठीक है, और अगर इसमें फ्रिज में कूलिंग फैन होता है तो कूलिंग फैन का भी इसी के साथ यही वायर लगेगी, ताकि क्योंकि ये एक ही पॉइंट में चलता है सब कुछ सब जीरो में, तो इसका एक ही पॉइंट जो होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक प्रोब होती है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। टेम्परेचर सेंस करने के लिए प्रोब का ये इस्तेमाल होगा। ये सिंगल प्रोब सब जीरो है 7510। तो इसमें कोई भी प्लस या माइनस ऐसा कुछ होता नहीं है। आप इसमें प्रोब के दोनों कनेक्शन इसके अंदर लगा सकते हैं। ये आपका फ्रिज का टेम्परेचर आपको शो करेगा डिस्प्ले पे, उसी के हिसाब से आपको जो कंप्रेसर को है वो कमांड जाएगी, कि जो सेट पॉइंट है वो प्रोब सेंस करके बताएगा कि ये सेट पॉइंट तक टेम्परेचर पहुँच गया है। उसके बाद आपका कंप्रेसर कट ऑफ कर देगा, यहाँ से फेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और जैसा ही सेट पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, तो विद इन जो आप मिनट सेट करेंगे, 1 मिनट या 3 मिनट, जो भी आप टाइमिंग सेट करेंगे डिले टाइम, उसी के अंतराल में आपको दोबारा से यहाँ पे कंप्रेशर को कमांड आएगी और कंप्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए चल के देखते हैं। अभी हम इसका आपको, सबसे बढ़िया है कि हम आपको प्रैक्टिकल इसका करके दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारे जो है मेन कनेक्शन। अब इसमें से हम मेन कनेक्शन उठाते हैं न्यूट्रल और फेस। तो ये स्विच के अंदर हमने मेन कनेक्शन हम देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे लगेगी ये आपका जो कॉमन आएगा फेस से, ये वाला रहेगा। ठीक है, एक ये रहेगा आपका। ये अभी स्विच के कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं, ये वाले हाथ हटा के। ठीक है, उसके बाद ये आपका फेस का कनेक्शन जो हमने बताया था, लाइन जो लगेगी, लाइन में हम फेस लगाएंगे। ये आप कनेक्शन देखिए, ये देखिए, ये दिखाओ, ये ध्यान से दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ आपका ये है लाइन का, लाइन में हमने 4 नंबर दिया था। फेस किसी में भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे 4 नंबर में फेस को लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने लेना है लूप, जो लूप लेना है कंप्रेशर के एनओएनसी के लिए। तो वो हम यहाँ से लेंगे फेस, ये हम डालेंगे कॉमन में। तो आपका कॉमन पॉइंट रहेगा 2 नंबर, इधर से 2 नंबर में हम डालेंगे ये वाले कॉमन, सामने से देखिए। हाँ, ये वाले हाथ हटाएंगे सर थोड़ा वो। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ से नज़दीक से दिखाओ कॉमन। उसके बाद लाइन में हमने डाला है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल लाइन हमारे पास हम डाल लें न्यूट्रल। ये देखिए, ये रहेगा आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर में हमने न्यूट्रल और फेस डाल दिया। न्यूट्रल से कोई लूप नहीं जाएगा सब जीरो में, क्योंकि न्यूट्रल कॉमन ही रहेगा।
इसके बाद आता है आपका प्रोब, इसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं प्रोब में, प्लस माइनस जो भी है। ये आपका फ्रिज का टेम्परेचर शो करेगा। ये हो गया। अब फाइनली बचता है आपका कंप्रेशर और फैन के लिए। ये वायर आपकी कंप्रेशर और फैन के लिए है, जो कि इसका नंबर रहेगा आपका, ये यहाँ लिखा हुआ है कंप्रेशर, एक नंबर। तो एनओ एनसी होके जो जाएगा तो एक नंबर पे जाएगा, जब कमांड आएगी तो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल क्लोज। तो आपका कंप्रेशर और कूलिंग फैन और सब कंडेंसर फैन वगैरह स्टार्ट होंगे। ये रही आपकी एक अर्थिंग वायर, अर्थ करना ज़रूरी है, तो ये सेफ्टी पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पे इसको अर्थ कर देंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम ऑन करके देखते हैं। ये सब जीरो आपका ऑन हो गया। अगर आपका सेंसर फॉल्टी होगा तो यहाँ पे ईपी लिखा हुआ है, पीपी, तो समझ लेना कि आपका सेंसर फॉल्टी, आपको सेंसर चेंज करना पड़ेगा। सेट पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या सेट पॉइंट है। ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है इसमें सेट पॉइंट देखते हैं अपना, कितना टाइमिंग हमने दे रखी है कंप्रेशर ऑन होने के लिए। हमारा सेट पॉइंट जो टेम्परेचर है वो जीरो है, हम इसे तीन कर देते हैं, हमें तीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग बटन दबाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, ये हमारा P6 पे जाके ओके करेंगे। ये हमारा जो डिले टाइमर है वो एक मिनट है, हम इसे तीन मिनट भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, हमें एक। तो ये देखिए ये कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो चुका है, टेम्परेचर अभी आपका डाउन जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।